आपके ऐड से परेशान है, जैसे कि मैंने ये GB व्हाट्सएप ऑन किया और ऑन करने के बाद जो है ना यहाँ पे एड्स आने लग जाते हैं, और जो कुछ भी अगर आप मान लीजिए किसी का स्टेटस देख रहे हैं, आगे आगे करेंगे रिमूव, आगे आगे करेंगे, तो वो जो है आपको जो है एड्स दिखाएगा, और एड्स से परेशान हैं तो एक काम करिए, आप जो है इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपने जो है जी व्हाट्सएप जो डाउनलोड किया है वो एड्स वाला किया है, और आपको क्रोम में आना है और क्रोम में जो है ये वाला जी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। नाम पढ़ लीजिए, GB व्हाट्सएप प्रो वर्सी 17.20, अगर इसको फिर डाउनलोड कर लेना है एनीवे, तो इसकी डिटेल है और ये डाउनलोड हो रहा है, दो दो लग गया डाउनलोड होने के लिए, हम लोग एक को हटा लेते हैं, है वही चीज़। और उसके बाद जो है इसको हम लोग कर लेंगे। अब देखिए वो जो नया वाला था वो इंस्टॉल हो रहा है, और वो इंस्टॉल हो चुका है, नया वाला जो है इंस्टॉल हो गया है। अब ये देखिए ये ओरिजिनल है, और चलाना है तो यही चलाना है, और फटाक दे के जो है इसमें लॉगिन हो जाना है, और ये आपको बोल रहा है कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए, तो कर लेंगे, जो मार्च में आया है उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, तो अपडेट कर लेना है। और ये हो गया वही वर्जन वाला डाउनलोड, और देखिए इसमें कोई ऐड नहीं आएगा, इंजॉय कीजिए इसमें, और ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसमें कोई ऐड नहीं आएगा, बस थैंक यू। और जो ऐड वाला है उसको अनइंस्टॉल कीजिए पहले तो, और मैंने वर्ज़न बता दिया है कौन सा वर्ज़न करना डाउनलोड।